रफ्ता रफ्ता मुसाफिर के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है और इसको अपलोड करने का हमें समय नहीं मिला, जिसे अब हम अपलोड कर रहे हैं। तो यह वीडियो है असल में 26 जनवरी 2022 का सवेरे सवेरे का समय है। सवेरे सवेरे ही हमने देखा कि आज का दिन तो राष्ट्रीय पर्व है और अवकाश रहेगा, इसके लिए हमने सुबह सुबह ही प्लान बना लिया कि क्यों ना हम मसूरी और धनौल्टी की तरफ चलें और शायद हमको वहाँ पे पड़ती हुई बर्फ़ भी मिल जाए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया और मन में देश प्रेम की भावना और सम्मान लेकर हम मसूरी की तरफ बढ़ चले। असल में देहरादून में उस हफ्ते अच्छी खासी बारिश हो रही थी और बार बार खबर आ रही थी कि आज बर्फ़ पड़ी कि कल बर्फ़ पड़ी। तो बर्फ़ जब पड़ती है देहरादून से ऊपर मसूरी और धनौल्टी में, तो अच्छा खासे देहरादून की जनता मसूरी और धनौल्टी की तरफ निकल लेती है और अच्छा खासा जाम जो है लग जाता रास्तों में। कई बार तो चार चार पाँच पाँच घंटे बाद लोग जाम से निकल पाते हैं। असल में होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ जहाँ बर्फ़ मिल जाती वहीं पार्क कर देते हैं और जिसकी वजह से पीछे से आ रहा सारा ट्रैफिक रुक जाता है। तो हमने क्या किया कि क्योंकि छुट्टी का दिन था और हमारी पूरी वो थी कि हम लोग उसी दिन वापस भी अपने घर देहरादून वापस आ सकें, तो हमने बहुत दूर ना जाने का फ़ैसला किया। तो यही हुआ कि या तो मसूरी में हमको बर्फ़ मिल जाएगी या फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं धनौल्टी में हमको बर्फ़ मिल जाएगी। वैसे भी उस हफ्ते में मसूरी और धनौल्टी में अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई थी। तो हम लोग सुबह सुबह ही लगभग 8 बजे अपने घर से यानी देहरादून से निकल लिए मसूरी की ओर। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय भी हमें रास्ते में सुबह के 8 बजे मसूरी देहरादून के बीच रास्ते में अच्छा खासा ट्रैफिक मिला। वैसे तो मसूरी का रास्ता बहुत ही सुंदर है, साफ सी बलखाती हुई सड़कें और चारों तरफ पहाड़ और वादियां और ग्रीनरी, परंतु होता क्या है कि बहुत सारे दूसरे शहरों से आए हुए लोग जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है पहाड़ों पे चलाने का, वो ऐसी सड़कें जब मिल जाती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और कई बार वो अपना विवेक का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। तो होता क्या है कि वो कई सारी दुर्घटनाओं की खबर भी आती है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कृपया पहाड़ी सड़कों पर बड़े ही ध्यान से और सड़क को पूरा सम्मान देते हुए ही चलाएं। कोशिश करें कि ये जो बीच वाली लाइन होती है उसके दूसरी तरफ कतई ना जाएं। आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, पूरा एंजॉय करें, पूरा फन करें, पर प्लीज़ सड़क को पूरा सम्मान भी दें। तो प्लीज़ ऑलवेज ड्राइव सेफ ऑन हिल रोड्स। आपको सड़क के ऊपर इस वीडियो में थोड़ा सा कोहरा सा दिख रहा होगा, असल में वो कोहरा नहीं है, वो बादल हैं जो ऊंचाई पर पहुंचने के कारण सड़क के ऊपर आपको नज़र आते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं देहरादून मसूरी वाले रोड के टोल टैक्स पर, जिसे हमने पार किया और हम बढ़ चले आगे की ओर। आगे फिर वही बलखाती हुई सड़कें हैं, सुबह होने के कारण ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, इसलिए ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। इसके एक एक घुमाव पर जो प्राकृतिक दृश्य है वो अपने आप में बदलता हुआ, हाँ पहाड़ के ऊपर कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं सड़क पे जहाँ पर सूर्य की रोशनी
पूरे दिन के 24 घंटे में कभी भी उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पे पड़ा हुआ पानी जो है वो जम जाता है और वो ब्लैक आइस का रूप ले लेता है, जिसके कारण गाड़ी फिसलने का काफ़ी कुछ डर रहता है। तो ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं देहरादून मसूरी के बीच में लैंडस्लाइड जोन में, जहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होते हैं और अक्सर ही गाड़ियों का काफिला रोक दिया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हम पहाड़ों और बादलों से काफ़ी ऊपर ऊंचाई पर हैं, क्या दृश्य है। तो हम लोग इस प्राकृतिक दृश्य का बादलों से ऊपर खड़े होने की अनुभूति या फीलिंग का मज़ा लेने के लिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। यही जीवन है कि जीवन के हर पल को आप पूरी तरीके से एंजॉय करें, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। हमको जब भी छुट्टी मिलती है हम अक्सर पहाड़ों की तरफ निकल लेते हैं। आप यहाँ पर टेम्परेचर भी देख सकते हैं, उस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने देहरादून से मसूरी का रास्ता छोड़ के बीच में से धनौल्टी कट ले लिया है और हम धनौल्टी की तरफ चल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ते में अब हमें सड़क किनारे पड़ी हुई बर्फ नज़र आने लग गई है। अभी हम मसूरी से धनौल्टी के रास्ते के ऑलमोस्ट सेंटर में ही पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि हमको हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ती हुई नज़र आने लग गई है और दूर जो भी पहाड़ दिख रहे हैं उन पे सफ़ेद रंग की चादर सी ओढ़ी हुई है। देहरादून और मसूरी के बीच की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर। इस 35 किलोमीटर के स्ट्रेच में बड़ी ही सुंदर वादियों के बीच से गुजरना पड़ता है। मसूरी अपनी विंटर लाइन के लिए भी जाना चाहता है, जिसके बारे में फेमस है कि इस धरती पर मात्र कुछ ही स्थानों से वो दिखाई देती है। देहरादून और धनौल्टी के बीच की दूरी है लगभग 55 किलोमीटर, जिसको हम दो रास्तों से तय कर सकते हैं। एक जो मसूरी के बीच में से कट है वहाँ होकर, और दूसरा रास्ता है देहरादून के मालदेवता की तरफ से। मालदेवता की तरफ का रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, जिससे कि मैं बाहर से आए हुए किसी भी पर्यटक को उस रास्ते से जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब बर्फ चारों तरफ ज़्यादा दिखाई देने लग गई है, जिसको देखकर ही महसूस हो रहा है कि हमारा आना सक्सेसफुल रहा। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे किस तरीके से लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और आपको ब्रेक लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, अतः डिफरेंस बनाकर ही चलें और वाहन की गति बिल्कुल ही कंट्रोल में रखें। कितना ही सुंदर और मनोरम दृश्य उपस्थित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। वैसे भी उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड नेचर ने बहुत ही सुंदर बनाया है। प्रकृति ने उत्तराखंड को बहुत ही खूबसूरती का वरदान दिया है, जिसको आप आएं यहाँ पर एंजॉय करें, यहाँ पर अपने आप को रिफ़्रेश करके वापस जाएं, पर
एक प्रार्थना है, कृपया यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें या जो भी चीज़ें लाते हैं उसको यहाँ की वादियों में ना फेंकें, क्योंकि वो हमेशा के लिए ऐसे ही पड़े पड़े यहाँ की सुंदरता को ख़राब करेंगी। आप अपने साथ में कुछ गार्बेज बैग वगैरह ज़रूर लाएं, जिसके अंदर में वह सारी चीज़ें पैक करके ले जाएं और जहाँ भी आपको ये कूड़ा फेंकने की जगह हो वहाँ फेंकें जाके। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ऋषान बर्फ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है, उसमें ऊपर चढ़ना वाकई में थोड़ा सा स्लिपरी है। बर्फ में खेलने का मजा ही अलग है। ऋषान और शाहीन दोनों ये अपनी यादें समेटते हुए तो फ्रेंड्स हल्की हल्की बर्फबारी होनी शुरू हो गई। हमारा लक है कि हमको अब इतने सालों बाद पहली बार बर्फ पड़ती हुई दिखी है। बार बार हमने जब भी बर्फ पड़ती है हर बार हमने प्रयास किया कि जैसे ही हमें खबर लगे कि बर्फ पड़ रही है तो हम जाएं वहाँ, पर अक्सर हमें बर्फ जब पहुँचते हैं तो बर्फ पड़ चुकी होती है और चारों तरफ बर्फ से पहाड़ ढके जरूर होते हैं, पर पड़ती हुई बर्फ आज पहली बार हमको देखने को मिली तो उसका मजा ही अलग है, जिसको हम पूरे तरीके से एंजॉय करते हुए। शायद आपको कैमरे में इस समय पड़ती हुई बर्फ़ नज़र ना आ रही हो, परंतु हम जो महसूस कर रहे हैं उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी लोग उस रोड पर ट्रैवल कर रहे थे या बर्फ़ को देखने के लिए आए थे सब ने अपनी अपनी गाड़ियां रोक दी हैं और पड़ती हुई बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक लंबी वॉक करें जिससे कि पड़ती हुई बर्फ़ हमको मिलती रहे और हम लोग दूर तक उसको देख सकें। अब जब बर्फ़बारी तेज़ हो गई तो हमने सोचा कि भैया यहाँ से अब तो निकल लेना ही ठीक है, क्योंकि कई बार गाड़ियाँ फंसनी शुरू हो जाती हैं बर्फ़ में, तो उसके बाद में कई बार तो रात भी वहीं गुजारनी पड़ती है, या ये कहिए कि जब तक कि आपको मदद ना पहुंच जाए तब तक आपकी गाड़ी वहां से नहीं निकल पाती है। तो हम लोग फिर वापस चल दिए। मौसम वैसे भी बहुत ख़राब होता जा रहा था तो हमने यही सोचा कि क्यों ना यहां से वापस चल के हम मसूरी पहुँचें और वहाँ जाके लंच किया जाए।
इस वीडियो में हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरीके से जब भी हमें समय मिलेगा और घूमने जाएंगे हम आपके लिए इस तरीके की जानकारी लाते रहेंगे, जिससे कि आपको भी हमारे साथ साथ एक यात्रा करने का मौका मिले और आप भी एंजॉय कर सकें। ये दिन जो हमने बर्फ के बीच में गुजारा, या ये कह लीजिए कि पहली बार पड़ती हुई बर्फ हमने महसूस की, वो अनुभूति ही अलग थी जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।